हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आज आप लोगों के समक्ष एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना लेकर के उपस्थित हुआ हूं। जितने भी लोग बीपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए एक गुड न्यूज है कि ऐतिहासिक वैकेंसी आने वाली है। कहने का मतलब है कि बीपीएससी के इतिहास में, यानी कि बीपीएससी ये टीचर वाला की बात नहीं कर रहा हूँ, संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा की बात मैं कर रहा हूँ, और इसमें ऐतिहासिक वैकेंसी आ रही है। यानी कि इस पहली बार इतना होगा कि 1700 पद परीक्षा के माध्यम से, 70वीं बीपीएससी के माध्यम से भरा जाएगा। इसके पहले 1400 प्लस सीट 64वीं में था। इसके बाद जो है ये सबसे अधिक वैकेंसी है 70वीं में। यानी इससे पहले कभी भी इतने पदों के लिए वैकेंसी नहीं निकली थी। ज़्यादा से ज़्यादा 500-700, यानी एक ही बार अब तक आया है जो 1400 वैकेंसी आई हुई थी 64वीं का। उसके बाद से ये पहली बार है कि 1700 पदों के लिए जो है इस बार निकलने वाली है दोस्तों। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से पद कितने कितने हैं, तो देख लीजिएगा। देखिए, बिहार लोक सेवा आयोग के एकीकृत 70वीं संयुक्त सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा में 1700 से अधिक पदों के लिए विज्ञापन जारी करेगा। बीपीएससी के इतिहास में संयुक्त सिविल सेवा में यह सबसे बड़ी रिक्ति होगी। यह पहला मौका है जब इतने पदों के लिए रिक्तियां निकाली जा रही है। इसके पहले अधिकतम 800 तक रिक्तियां निकाली गई थी। यह भी गलत है कि 1400 के करीब जो है 64वीं में, पेपर में गलत छापा है, 1400 प्लस जो वैकेंसी था ये 64वीं में था दोस्तों। ऑलरेडी हम लोगों ने क्वालिफाई भी किया लेकिन फाइनली सिलेक्ट नहीं हो, अलग बात है। लेकिन ये देखिएगा, 64वीं में जो है 1400 प्लस जो है सीटें आई हुई थी। इस बार सबसे अधिक पद आरडीओ के, यानी 393, राजस्व सेवा में 287, एसडीएम के 200, सीटूओ के 100, यानी कॉमर्शियल टैक्स ऑफिसर के 168 और डीएसपी 136 सहित 18 विभागों से रिक्तियां प्राप्त हो गई है। यानी कि जितने भी रिक्तियां हैं वो सभी के सभी आकर्षक हैं, एकदम आकर्षक। जैसे बहुत सारे लोग जो है ये कमर्शियल टैक्स ऑफिसर बहुत प्रीफर करते हैं, डीएसपी प्रीफर करते हैं, एसडीएम, खास करके जितने भी आईएएस की तैयारी कर रहे हैं वो सारे के सारे लोग एसडीएम ही बनना चाहते हैं, डीएसपी बनना चाहते हैं। तो उन लोगों के लिए भी यहाँ आकर्षक पद जो है इस बार जोड़ा गया है। सिर्फ एक और विभाग से रिक्तियां प्राप्त होनी है, इसके बाद ये 17 या 18 सितंबर को विज्ञापन जारी कर देगा, यानी कर दिया जाएगा। अभ्यर्थियों को कम से कम 21 दिन या अधिकतम एक माह का आवेदन करने का मौका मिलेगा। आयोग की ओर से जारी कैलेंडर के अनुसार प्रारंभिक परीक्षा के संभावित तारीख 17 नवम्बर घोषित है। यानी ये परीक्षा जो होगी, यानी 70वीं बीपीएससी का जो पीटी एग्जाम होगी, ये पीटी एग्जाम ऑलरेडी 17 नवंबर को डेट फिक्स है, 17 नवंबर को एग्जाम होगी दोस्तों। तो एक बहुत बड़ी वैकेंसी कहा जा सकता है, यानी बीपीएससी के इतिहास में, जो पीसीएस के इतिहास में सबसे अधिक वैकेंसी है, ये 70वीं सिविल सर्विस की ही वैकेंसी है दोस्तों। 70वीं में बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आप लोग मेहनत कीजिए। और ख़ास करके मैं बता दूं कि इसमें जितने भी अब जो पैटर्न चेंज हुआ है, पैटर्न में 1/3 नेगेटिव भी कर दिया गया है, और साथ ही साथ जो है इसमें सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसा नहीं कि रेलवे वाले भी निकाल लेंगे, एसएससी वाले निकाल लेंगे, तो ऐसा नहीं है। यानी कि सिविल सर्विस का एक अलग तैयारी, जो डिमांड एक्चुअली सिविल सर्विस का होता था, ऐसे ही प्रश्न पैटर्न किया गया है। तो जिसके वजह से आप यदि कोई भी एनसीईआरटी जरूरी नहीं है, अगर आप किसी भी जैसे बिहार सरकार की कोई भी किताब पढ़ते हैं और लिटरली पढ़ते हैं तो ही आप आंसर कर पाएंगे, क्योंकि ये एक सभी कूट में दिया रहता है दोस्तों। तो इसलिए आपको लिटरली पढ़ने की आवश्यकता है। अगर आप लिटरली नहीं पढ़ते हैं तो फिर इसका पीटी नहीं निकाल पाइएगा। मेंस में भी चेंज हुआ है कि कोई भी आपका जो ऑप्शनल है, अब ऑप्शनल ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जाता है और क्वालिफाइंग नेचर का होता है, जिसमें आपका पकड़ बहुत बढ़िया होता है, वही आपका क्वालिफाइंग हो गया और वो मेरिट लिस्ट में भी शामिल नहीं किया जाता है। और ये GS1 GS2 अब कर दिया गया है, जिसके वजह से बहुत सारे जो है लोगों को नए सिरे से तैयारी करनी पड़ी है दोस्तों। तो ये बदलाव ऑलरेडी ये पीटी में आया है, जबकि 150 नंबर का पहले जो क्वेश्चन पूछा जाता था, 150 नंबर का सिर्फ जीके रहता था और ये एकदम सिंपल जीके रहता था रेलवे पैटर्न पर।
लेकिन अब ये रेलवे पैटर्न पे नहीं होता है, अब ओरिजिनल पीसीएस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है। कहने का मतलब सारा कूट वाला होता है, एक दो भी आप जानने से आपका पूरा प्रश्न नहीं बनेगा दोस्तों। तो बस आज के वीडियो में मैं इतना ही अपडेट लेकर आया। यदि आपको ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। एक बात और इसमें कह रहा है कि कम से कम 10 लाख आवेदन आने की संभावना है, इसलिए आप तैयारी में जुट जाइए। यदि आप तैयारी छोड़ दिए हैं तो आप तैयारी में जुट जाइए। चलिए इसको भी एक बार हम लोग पढ़ के देख लेते हैं। कम से कम 10 लाख आवेदन आने की संभावना है, रिक्ति के अनुसार कम से कम 10 लाख आवेदन आने की संभावना है। यह सिविल सेवा की बड़ी परीक्षाओं में एक होगी। आयोग इस परीक्षा को लेकर विशेष तैयारी करेगी। इसमें देश भर के सिविल सेवा की तैयारी करने वाले छात्र जुटेंगे, खासकर वैसे अभ्यर्थी जिनका यूपीएससी में नहीं हो रहा है। इनकी संख्या भी बीपीएससी 70वीं में अधिक होगी। बीपीएससी से बिहार में एक वर्षों में 2 लाख से अधिक नौकरियां दी जा चुकी हैं। शिक्षक नियुक्ति के तीसरे चरण भी लगभग 90,000 रिक्तियों को भरा जाएगा। इसका रिजल्ट भी सरकार से आरक्षण रोस्टर साफ होते ही जारी कर दिया जाएगा। प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक का रिजल्ट भी जल्द आएगा। इसके माध्यम से 46,000 नियुक्ति होनी है दोस्तों। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि आवेदक भी 10 लाख से कम नहीं होगा, इसलिए तैयारी में जरा सा भी लापरवाही होने पर निश्चित रूप से आप आउट हो ही सकते हैं दोस्तों। तो इसलिए आप तैयारी को बहुत बेहतरीन कीजिए, लिटरली तैयारी कीजिए, ताकि किसी भी तरह की परेशानी आपको नहीं हो। धन्यवाद।